अदानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? दाल में कुछ काला है। पुराने रेलगाड़ियों को नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फिराती। भाई भाषण से पेट नहीं भरता, लोगों को राशन की भी जरूरत होती है। उस प्रधानमंत्री खुद सदन में नहीं रहते, सदन जब चलती है तो दौरे पे रहते हैं, सदन जब चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं। 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब। लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। और ऐसी पहली बार हुआ। मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूँ, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 5 साल लोकसभा में भी था अपोजिशन लीडर, ऐसा वक्त कभी नहीं आया। और यहाँ पर 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खुद ही रूलिंग पार्टी के लोग ही डिस्टर्ब करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है, जो हमने मुद्दे उठाए हैं खास करके अदानी के इशू पे, सारे 18-19 पार्टियां एक होके, एक कॉमन मुद्दा था कि अदानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। और अदानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी, और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। तो उसको अमीर बनाते गए, 2.5 साल में इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा शायद। और मुझे और एक इसका, सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों एक ही कैपिटलिस्ट को इतना सब संपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं? एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रोड हो, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज के अड्डे हो, तो ये सारी चीजें, जमीन भी नहीं छोड़ी, रेल भी नहीं छोड़ा,
पोर्ट भी नहीं छोड़ा। ये जो है इससे ये दर्शाता है कि किसी एक को ही अमीर बनाना और देश की सारी संपत्ति जो गरीब लोग LIC में पैसे डाले हैं, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो पूरी संपत्ति उनको देकर सरकार के सारे संपत्ति को खरीद रहे हैं। ये हम वहाँ उनको पूछना चाहते थे। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी लोकसभा में एक उन्होंने पूछा था कि अदानी की संपत्ति इतनी बड़ी केवल 2.5 साल में, तो ये कैसा बढ़ा, इसका विवरण दो, इसकी चर्चा हो। तब उन्होंने यही कहा, कितने बार आपके साथ वो फॉरेन ट्रिप में गए आए, आपके साथ कहाँ कहाँ उनकी मुलाकात हो गई, जिन जिन देशों में आप गए, आप जाने से पहले किन किन देशों में उन्होंने आपसे पहले जाकर आपसे मिले, और किन किन देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहाँ के बिजनेसमैन से या वहाँ के मंत्रियों से मुलाकात किए, और आपके वजह से उनको कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम JPC की मांग कर रहे थे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं, इसके बावजूद आप JPC कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो, ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दे जो राहुल जी ने उठाए थे उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इशू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगो, तुम UK में जाके ऐसा बोले, ये करे, वो करे, ये बोले। अरे यहाँ सवाल है पार्लियामेंट का, यहाँ सवाल है घोटाले का, यहाँ सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से, अपने शेयर्स को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे शेल कंपनीज बना के करोड़ों रुपए उसमें लिए, इसका सवाल है। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है, कुछ संबंध उनके ऐसे होंगे जिस वजह से वो JPC करने के लिए तैयार नहीं है। ये और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री खुद सदन में नहीं रहते, सदन जब चलती है तो दौरे पे रहते हैं, सदन जब चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी नहीं किया ऐसा। कभी एकादा कोई अर्जेंट वर्क है तो तब एक दो दिन के लिए जाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जैसा वो कहते हैं कि सुब्रमण्यम सारी दुनिया का चक्कर लगाया
और उसके बाद भी उसको जो मिलना था नहीं मिला तो गणपति को मिला, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि गणपति बैठे जगह बैठा और वो बोला तो सारी दुनिया यहाँ शंकर के पास पार्वती के पास है, तो तुम तो दुनिया भर फिर क्या है, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो इनका उद्देश्य क्या है कि बाहर फिरते रहते हैं लेकिन पार्लियामेंट में जो आंसर देना, लोगों को बताना और लोगों के लिए जो डेवलपमेंट काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना, इसके बारे में वो तवज्जो नहीं दे रहे। पुराने रेलगाड़ियों को नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फिराती, अरे मैं तो एक ही साल में 27 ट्रेन छोड़े थे वाराणसी को और वैष्णो देवी को, और उसके बाद हमारे राजस्थान में अजमेर को, हमने कभी हरी झंडी लगाकर प्रचार नहीं किए। वहीं पर वही इसमें अब दिल्ली से हरी झंडी एक भाषण, मंगलोर को हरी झंडी एक भाषण, और चेन्नई बॉम्बे से एक हरी झंडी भाषण, भोपाल वो एक। अरे एक रेल छोड़ने के लिए आपकी जरूरत है, वहाँ का एमपी है, वहाँ का इंचार्ज मिनिस्टर रहता है, लेकिन इन्हों जाके प्लेटफॉर्म में लंबे करके दूसरे कोई काम नहीं किए। मैं एक ही स्पीड से इतना काम, क्या पटरी भी आप ही डाले थे क्या? हाँ, ऐसा कोई एक नया योजना करके आप, अगर जैसा कि पीर पंजा हमने किया था, पटरी भी डाली थी, चैनल भी खोदा था, अरुणाचल का हमने किया था सब, लेकिन इनको हमेशा आदत है कि एक अपना इनॉग्रेशन होना, भाषण होना। तो भाई भाषण से पेट नहीं भरता, लोगों को राशन की भी जरूरत होती है, उसके तरफ ध्यान दो, ये हमारा कहना था। और चौथी बात ये है कि कोई खास करके राहुल गांधी जी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनको डिस्क्वालीफाई एक सूरत के कोर्ट के ऑर्डर से 2 साल की जो सजा हो गई थी हुई है, उसको इतना लाइटनिंग स्पीड से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं आपको एक केस बताता हूं अपने, इसका गुजरात का, एक गुजरात के एक एमपी ने जिनका नाम है बीजेपी के अमरेली एमपी नारायण भाई कचाड़िया, उनको तो लोकल कोर्ट ने 3 साल के लिए कन्विक्ट किया लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं करे इमीडिएटली। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक शेड्यूल कास्ट डॉक्टर्स को 20 लोग जाके तमाचा मारे, उसको गालियां दिए, हमने फोन किया था तुम नहीं उठाए, और वो बेचारे का अपराध कुछ नहीं था कि वो दूसरे पेशेंट को देख रहा था और फोन साइलेंट में थी, तब उन्होंने खुद आकर उसके ऊपर हमला किया। जब 3 साल का उसका कन्विक्शन हुआ तो सेशन कोर्ट ने उसको जो सेंटेंस नीचे दिए थे वही अपहेल्ड किए, उनका अपील रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में वो हाईकोर्ट में चले गए, वहाँ भी वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में उन्हों सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पर उनको पनिशमेंट भी हुआ, 5 लाख रुपए देना और कुछ माफी मांगना, ये उन्होंने कहा। यानी कन्विक्टेड, 3 years कन्विक्टेड
उसको 16 दिन का टाइम देते हो, लाइटनिंग स्पीड में उसकी अपील डिस्पोज आप करते हो, और हम यहां पर अपील डालते हैं तो उसको एक महीने का टाइम एक्सटेंशन दे रहा। तो ठीक है, हम कोई जुडिशी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करना चाहते, जो भी उन्होंने कहा है उसका स्वागत करते हैं, हम लड़ेंगे कानून के तौर से। लेकिन आप देखिए, एक आदमी को 3 साल की सजा होती है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है इमीडिएटली, और एक राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होती है डिफेमेशन केस में, क्रिमिनल केस में नहीं। तो उनको आप लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है? अगर कोई गए नहीं हमारे देश में रूल्स के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक, अगर नहीं चल रहे पार्लियामेंट, अगर कोई कहे तो ये गुनाह है और ये दिखता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं इसको किस ढंग से हमारे मीडिया के दोस्तों लेते हैं, वो मैं इसको ज़्यादा बोलने नहीं जा। और इनकी जो ये हो गई, 23 मार्च को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 24 को लोकसभा सेक्रेटरिएट में आया और 28 को लोकसभा सेक्रेटरिएट ने नोटिफिकेशन निकाल के यहाँ तक बोला कि राहुल जी अपना रेसिडेंस भी खाली कर लो। ये है न्याय, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के तहत चलो इसके लिए लड़ रहे हैं। और हमने जो कानून बिजनेस एडवाइजरी के जो बिजनेस रूल्स होते हैं उसके तहत हम चल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उसके तहत चलना नहीं चाहती। कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे, ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये बात है। अरे हम अंदर आते, जब मैं नोटिस पढ़ता हूँ 265 का, अभी ऐसा पेपर लेता हूँ तो उधर से माफी मांगो, माफी मांगो, खास करके राज्यसभा में माफी मांगो। अरे कैसा मांगते हो, तो डिस्क्वालिफाइड हो गए, डिस्क्वालिफाइड मेंबर अंदर आके माफी मांगता है? अच्छा, वो राज्यसभा मेंबर भी नहीं है, वो लोकसभा के मेंबर है, अब क्यों उठाते हैं? नहीं, सरकार में चल रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा बोले जैसा चल रहा है, तो इसलिए मैं तथ्य सामने रख रहा हूँ। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए सारे मेंबर तैयार थे, तैयार है, देश के हित में जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे लोग सतर्क होके बैठे थे। लेकिन सरकार का मंशा ये था कि पूरा बजट सेशन वॉशआउट करना, तो उन्होंने अपना काम किया। ये एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूँ, अगर यही एटीट्यूड रहा इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है।